टीपू सुल्तान का हो या फिर सावर, देखिए इरेलेवेंट इश्यूज को उठाकर कोई फायदा पॉलिटिकल लेता होगा तो मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं। मेरा ये कहना है कि देश के भविष्य के बारे में कोई बात कहे तो मैं समझ सकता हूँ। एक तरफ जो इतिहास का, एक तरफ ये जो बीजेपी मुद्दे उठा रही है, दूसरी तरफ एमएनएस जो है कह रही है कि हलाल मीट जो है वो जायज़ नहीं है, उन्होंने पत्र लिखा है सरकार से मांग। मैं समझता हूँ देश के लोग इरेलेवेंट बात, जिन बातों का देश के लोगों के आम जीवन से कोई संबंध नहीं है, ऐसे विषय पर चर्चा या बहस या बातचीत करना, इससे कोई लाभ सामान्य व्यक्ति को नहीं है, आम आदमी को नहीं है। मैं समझता हूँ देश के भविष्य के बारे में कोई फैसला होता है तो इसके बारे में निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे। बिल्कुल बानों को लेकर सर सवाल उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल बानों को लेकर सर है, किसानों से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सारे मुद्दों पर ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीज़ें हो रही है। आज हालात तो बहुत खस्ती है, किसानों के हालात बहुत खस्ती है, बारिश हो चुकी है, बारिश से पूरे क्रॉप कंडीशंस की बहुत बुरा हाल है। नए कृषि मंत्री पूरे महाराष्ट्र में जाकर आए तो उम्मीद करते हैं कि आज असेंबली में जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर किसानों की जो खस्ता हालत है उसको मदद करने के बारे में, किसानों को राहत देने के लिए वो कोई असेंबली में आज घोषित कर, अगर कोई घोषणा करते हैं या फैसला करते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। आपको लगता है कि जिस तरह से आप मांग कर रहे हैं कि किसानों को 75,000 जो है पर एक तरह से मदद की जाए, बाकी बाढ़ पीड़ितों को मदद की जाए, लेकिन सरकार इन मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए तमाम जो सावर करता मुद्दा हो, ये सब तमाम मुद्दे, मेरा वही कहना है ना कि आज इतिहास में जाने से बेहतर है कि भविष्य के बारे में और मौजूदा हालात के बारे में कुछ फैसला करें।